अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विदुरमान में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपके सामने जो ले कर आया हूँ वो MGT501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले कर आया हूँ। सबसे मुश्किल होता है कि इसमें बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होता है और क्यूज तो कर ही लेते हैं लेकिन इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये 40 मार्क्स के आते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से समझना है आपने। ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ICOM, BCOM और MCOM की आल यूनिवर्सिटी की हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं, और जिन्होंने हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है 0032715079 के ऊपर रब्ता कर सकता है कोई भी आपके MCOM, BCOM, आल यूनिवर्सिटी, ICOM, ठीक है, FSC भी है, BSC भी है। तो हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं बाकायदा, तो जिन्हें रब्ता करना हो तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है कि वाई ऑर्गेनाइजेशन, वाई ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट एम्प्लॉय ट्रेनिंग लिस्ट डाउन एनी थ्री कंडीशंस। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एम्प्लॉय ट्रेनिंग को कंडक्ट करती है। मतलब जब आप कोई जॉब हासिल करते हैं, तो उस वक्त एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कराना क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये हमने इसके ऊपर सवाल को अंडरस्टैंड कर लेना, तो सवाल का आंसर खुद ब खुद निकल आता, अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल को ज़रूर समझना है आपने कि क्यों हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑन थ्री कंडीशन, कंडीशन लिखें जी। पहले ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग को डिफाइन करना है तो वो डिफाइन कर लें। अगर कंडीशंस हैं तो वो सबसे पहले कंडीशन ही लिख दें कि कंडीशन क्या होती है। कंडीशन पूछिए तो मेन कंडीशन पूछे ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग मींस प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉय विद स्पेसिफिक स्किल्स, कि आपके अंदर जो स्पेसिफिक स्किल्स है ना उसको आपने उसके मुताबिक आपने काम करना है। हेल्पिंग देम टू द करेक्ट ऑफ द डेफिशिएंसी इन द परफॉर्मेंस, कि अपनी आपकी जो आपकी डेफिशिएंसी है ना उसके मुताबिक आप अपना काम परफॉर्मेंस को सही रख सकें। मतलब आपकी जो आपके अंदर थोड़ी डेफिशिएंसी होती है ना, ठीक है, तो वो आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, इनहेंस देयर एबिलिटी टू मेक द परफेक्ट, और अपनी एबिलिटी को परफेक्ट बना सकें। मतलब जो आपके अंदर एबिलिटी है उसको अच्छे तरीके से परफेक्ट बना सकें। वो कैसे आती हैं, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि जब तक आप खुद काम नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो आप जब बिजनेस कंपनी के किसी प्रॉफिट एंड लॉस को बुक का बनाते हैं, लेकिन जब तक आप किसी कंपनी का खुद से नहीं बनाएंगे, किसी कंपनी का डेटा लाकर खुद से नहीं बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप उसको समझ नहीं करेंगे। कंपनी रिकॉर्ड्स हैं, कंपनी रिकॉर्ड को आपने रिकॉर्ड करना है, जिस तरह ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे रिकॉर्ड करना है। कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कंप्लेंट्स कहाँ आती हैं, इसका क्या करना है, ठीक है, वो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। न्यू टेक्नोलॉजी आपकी चेंजिंग होती है, जिसकी वजह से आपको न्यू चेंजिंग के मुताबिक आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, तो ये इसकी भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी और बड़ी सी चीज़ें हैं, ठीक है, आपकी जो ट्रेनिंग के मुताबिक आ जाते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। चलें जी अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कैन पे फॉर परफॉर्मेंस बी एप्लीकेबल इन टू द एम्प्लॉय ऑफ द एनजीओज। कहता है कि क्या पे ऑफ द परफॉर्मेंस एप्लीकेबल है एनजीओ के ऊपर, तो ये हमने कर सकते हैं, हमने ये पूछना है। ये कंसेप्चुअली है और थ्योरेटिकल चीज़ अच्छी है, ठीक है, इसके ऊपर तो हमने ये परफॉर्मेंस देखनी है। अब देखिए क्या कहता है कि पे फॉर परफॉर्मेंस रेफर करती है टू एनी कंपनसेशन मेथड टाइट पे ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वर्क ऑफ द पर्सन प्रोड्यूस। नो, दिस इज एन एप्लीकेबल टू एमजी। मतलब जो पे परफॉर्मेंस, आप पे परफॉर्मेंस का कंसेप्ट देखिएगा कि आपने परफॉर्म किया
उसके बदले आपको पे कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो पे कैसे हम कर सकते हैं, या तो क्वांटिटी के हिसाब से करते हैं या क्वालिटी क्वालिटी के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जो कंपनसेशन आपके मुताबिक बनते हैं, जो आपने या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, सर्विस प्रोड्यूस किया है, लेकिन आपने पे फॉर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल है कि आप एक बंदा है, ए बंदा है, वो एनजीओ को पैसे देना चाहता है, एनजीओ को पैसे देना चाहता है, तो ए क्या एनजीओ से रिटर्न मांगे कि मुझे इसका रिटर्न क्या मिलेगा एक साल बाद, दो साल बाद, ऐसे नहीं होता। तो इसको पे नहीं, दोबारा मैसे इसको पे नहीं, रिटर्न नहीं किया जाता मैसे, ये तो एज अ सबील अल्लाह काम होता है ना, तो ऐसे ही काम होता है, ठीक है। आगे देखिएगा सवाल नंबर, ये सिनेरियो टाइप सवाल है, अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके। कहते हैं परवेज वाज आस्क्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन, मतलब आग पूछता है एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज फ्रिक्वेंट लीव इज इन अ मंथ, जो उसने लीव की थी उसकी एक्सप्लेनेशन पूछता है कि परवेज से, ठीक है, वाज आस्क्ड पूछा जाता है। द जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन उसकी क्या, ही मेड वाज इज इलनेस, वो बीमार था, वो उसकी जस्टिफिकेशन थी, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी, उसकी रीजन क्या थी, वो बीमार था। बट ही वॉज अनएबल टू प्रोवाइड एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन टू द प्रूव दिस इज इलनेस, कहता है कि उसके वो बीमार था लेकिन उस बीमारी की वजह से वो अपनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी दे नहीं पाया, मतलब प्रूव नहीं दे पाया, लेटर नहीं उसका दे पाया कि वो बीमार है या नहीं है। डज मैनेजमेंट इज एक्सेप्ट इज एक्सक्यूज जस्टिफाई, क्या मैनेजमेंट उसका एक्सक्यूज मानेगी कि, मतलब उसको एक्सक्यूज उसका मानेगी कि नहीं मानेगी, जब उसको मेडिसिन उसने वो भी नहीं दिया, प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी या एविडेंस मेडिसिन मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी उसको, तो क्या इसके मुताबिक वो मान लेगी काम को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, जस्टिफिकेशन मिस्टर परवेज मेड वॉज इनलेस, उसकी जस्टिफिकेशन क्या थी, इनलेस थी। मैनेजर विल बी नॉट एक्सेप्टेड द एक्सक्यूज ऑफ द मिस्टर परवेज, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज रीजन, द रीजन मिस्टर परवेज प्रोवाइड वॉज अनएथिकली एंड मैनेजमेंट नीड टू प्रॉपरली एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट होता है आपके पास, भाई ये देखे मैं बीमार था, मैं ये मेडिकल देख ले, उसके बाद मेडिकल मतलब सर्टिफिकेट नहीं था, जो डॉक्टर के पास देता, डॉक्टर देता उसको, उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट ही नहीं था, तो वो इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो वो इसका मतलब इसकी जस्टिफिकेशन गलत हो जाएगी, उसका जो जस्टिफिकेशन को माना नहीं जाता क्या, तो उसका बिहेव क्या होगा, इन एथिकली होगा, अनएथिकल होगा, जो उसके मिस्टर परवेज जो कहता है मिस्टर परवेज वर्क ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन विल बी अफेक्ट, और मिस्टर परवेज का वर्क जो अफेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जारी पर नुकसान भी हो सकता है, कोई इन लगी मैसम कोई आप ध्यान नहीं देते कंपनी में, तो कंपनी आपकी। अब देखिएगा क्वेश्चन ये है कि यूसुफ, इस तरह के क्वेश्चन आने आपको बता रहा हूँ, कहते हैं यूसुफ हैज बिटन हिज फॉलो एम्प्लॉई फॉर विच इज मैनेजर हिज हैज डिसमिस हिम, एक बंदा था यूसुफ को उसने बिटन मारा, मतलब उसके फॉलो ने, दोस्त ने, ठीक एम्प्लॉई को, तो उसको उसको क्योंकि उसके मैनेजर ने उसको डिसमिस कर दिया था। एवलेट मैनेजर रीजन इज टर्म ऑफ द एथिकल एप्लीकेशन ऑफ द पावर, क्या वो एवलेट कर सकता है अपनी पावर रख एथिकली तौर पर इसको एप्लीकेशन कर सकता है इस रीजन के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आंसर नो एम्प्लॉई सस्पोज्ड टू गेट फिजिकली विद एनी ऑफ द कॉलेजेस, मतलब जो क्लीक है एम्प्लॉई है कोई किसी के ऊपर फिजिकल मतलब नहीं आप मार सकता। मैनेजर डिसीजन आर दी एक्सट्रीम एज ही कुड हैव द बॉड बोथ एम्प्लॉई टूगेदर एंड टाई टू द नो द प्रॉब्लम बट बिटवीन देम आई सी दिस मूव द अनएथिकली एक्ट बाय द मैनेजर, मैनेजर के हाथ में होता है कि वो कोई गलत काम करे, कोई अच्छा काम ना करे, उसके ऊपर एक्शन लेना, मतलब एक्शन लेने का बिटन नहीं मारना, उसको जॉब से निकाल सकता है, ठीक है, या उसको थोड़ा डांट सकता है, मतलब ऐसे भी डांटा भी जॉब उसकी वार्निंग दे सकता है उसके, ठीक है। उनको पता था कि ये दोनों दोस्त थे, एम्प्लॉई थे, बहुत एम्प्लॉई थे, तो इकट्ठा मतलब काम कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे जानने की उसको प्रॉब्लम को, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका भाई, तो ये मैनेजर का पावर हो सकती है, उसको बिटन नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। कहता व्हाट आर द क्राइटेरिया डैट मेक द लीडर मैनेजर सिमिलर टू ईच अदर, मतलब कहता वो क्राइटेरिया क्या है जो मैनेजर लीडर का सिमिलर टू ईच अदर होता है, जो मैनेजर का भी होता है वो लीडर का भी वही होता है, तो वो क्या है, दे आर द सम ज्वाइन लीडर एंड मैनेजर बी सम सिमिलर टू ईच अदर, मतलब बोथ लीडर एंड मैनेजर इंटरेक्ट एंड मोटिव देयर सब ऑर्डिनेट्स, मतलब सब ऑर्डिनेट्स होता है जो उसके एम्प्लॉई आ जाते हैं या उसके सब मैनेजर आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको मोटिवेशन इंजेक्शन देते हैं, मतलब मोटिवेशन उसको करते हैं कि आप अच्छा काम करो, ठीक है। बोथ लीडर आर मैनेजर पावर आवर दी सब ऑर्डिनेटर, सब ऑर्डिनेटर के ऊपर सारी सारी बातें इसकी पावर होती है, वो अपने मुताबिक काम चला सकते हैं,
लीडर वर्क फॉर द अचीविंग देयर स्ट्रेटेजी गोल वेल मैनेजिंग आल्सो वर्क और फॉर गेटिंग द गोल में समझ जो लीडर होता है वो अचीविंग कर सकता डिजायर और स्ट्रेटेजी के मुताबिक अपने गोल को और मैनेजर आल्सो वर्क फॉर द गेटिंग देयर जो में गोल को और इस गोल के ऊपर वो काम करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए. बोथ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में बोथ वर्क करते हैं बट आर रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सबऑर्डिनेट ऑफ पीपल. लेकिन सब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है सबऑर्डिनेट होते हैं पीपल होते हैं ठीक है लेकिन मैनेजर भी होते हैं ऐसी कोई बात नहीं है. ये भी वही आ गया सवाल आपका दोबारा ये बार बार आया हुआ है तो इसको देख लीजिएगा. कहता है एलिबोरेट एलिबोरेट द स्टेटमेंट एज पर योर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द एम्प्लॉई विल इनहेंस देयर परफॉर्मेंस. कहता है क्या आपकी एलेबोरेट करें अंडरस्टैंडिंग करें प्रोवाइडिंग बेनिफिट कोई बेनिफिट दिया जाता है एम्प्लॉय को क्या उसकी परफॉर्मेंस को इनहांस करती है बढ़ाती है एफिशिएंसी करती है मतलब आपको काम अच्छा करके देती है. यस क्यों नहीं होता है कि एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ऑफ द आर फाइनेंशियल रिवार्ड्स जनरली नॉट पेड ऑफ द डायरेक्ट इनटू एम्प्लॉय बेनिफिट अब्सॉर्ब्ड सोशल कॉस्ट ऑफ द हेल्थ आर केयर एंड रिटायरमेंट एंड दे कैन बी इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय डिसीजन अबाउट द एम्प्लॉयर. जाहिर बात है इसकी जगह और भी लिख सकते हैं कि आप कई एम्प्लॉई परफॉर्मेंस आपकी प्रोवाइडिंग बेनिफिट देते हो एम्प्लॉई को आप बोनसेस देते हो सेफ्टी देते हो तो आपका एम्प्लॉई आपके खुश होकर आपका परफॉर्म आपके बिजनेस को वर्कआउट अच्छा करता है ठीक है उसके ऊपर आपकी कास्ट बहुत ज़्यादा कम आ जाती है तो आपके बिजनेस की हेल्थ अच्छी हो सकती है. कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द मोटिवेशंस एंड परफॉर्मेंस. ठीक है सिंपल सी बात है परफॉर्मेंस इज द आउटपुट ऑफ द पर्सनल स्किल्स विच विच ही हैज पुट टू द कंप्लीटली स्पेसिफिक टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब आपका परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज है जो आप आउटपुट करते हैं मतलब किसी मतलब आप आउटपुट ही करते हैं ना मतलब किसी चीज को कंप्लीट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक करते हैं स्पेसिफिक टास्क आप कंप्लीट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का तो वो आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक जाकर किस परफॉर्मेंस के तहत आपने काम किया. जो मोटिवेशन होता है मींस डैट गेट इन्फ्लुएंसेस टू द अदर रिडायरेक्ट एबिलिटी टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द पोजीशन. मोटिवेशन होता है कि कोई आपको आप काम कर रहे हो कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हो आप उसको मोटिवेशन दें ताकि वो आपके अंदर उसके अंदर इन्फ्लुएंस कर सके वो चीज़ को अच्छे परफॉर्म करने की. ठीक है तो ये बात है. उसके बाद है इसके जो मेलोज थ्योरीज आपके बारे में पूछ सकता है ये बाजन में रखिएगा मैं आपको बस बताऊंगा. क्वेश्चन व्हाई इंसेंटिव प्लान फेल्स एक्सप्लेन एंड डिफाइंड इसको पांच नंबर का पूछा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. उसके बाद व्हाट आर दी मेजर्स ऑर्गेनाइजेशन टेक टू कंट्रोल वर्क प्लेस इंसिडेंट के वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल वर्क प्लेस के ऊपर इंसिडेंट के तौर पर कर सकता है तो वो करने हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एम्प्लॉय के ऊपर एडवांस टेक्नोलॉजी आप एडवांस टेक्नोलॉजी में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है या विट प्रोवाइड द बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन क्या इसको प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन करेगी डिटेल लिखें. वाई एंड हाउ द इन्फॉर्मेशन एसेंशियली पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी मतलब इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरी है बिजनेस एक्टिविटी कैसे क्यों जरूरी है तो ये आपका आंसर थे. कुछ क्वेश्चन लॉन्ग थे तो ये बड़े इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताने थे क्योंकि दफ़ा रिपीट होते हैं तो ये आप इस क्वेश्चन को देखिएगा. तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और जिन्होंने एक्टिविटी सॉल्व करानी हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं. थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़.